डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फूरियर सीरीज का एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। साइन जीरो और साइन एन पाई की वैल्यू होती है जीरो, साइन टू एन पाई की वैल्यू जीरो, कॉस एन पाई माइनस वन रेस टू एन, कॉस जीरो वन, कॉस पाई बाई टू जीरो और साइन पाई बाई टू वन। ये वैल्यूज जैसे जैसे हम फूरियर सीरीज का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप पहले से ही उसे नोट डाउन करके रखिए ताकि जब भी जरूरत पड़े आप उसे पुट वहां पे कर सके, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो एग्जांपल दिया है, तो एग्जांपल में ऐसा दिया है कि f of x is equals to x square और हमें इंटरवल दिया है माइनस पाई टू पाई। ओके, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे कि fx is equals to a zero by two plus sigma n is equals to one to infinite a n cos n x plus b n sin n x। ओके, इसे बोल देते हैं इक्वेशन वन, ठीक है। अभी हमें करना क्या है कि a जीरो, a n और b n की वैल्यू फाइंड करनी है और उस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a जीरो। a जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन पाई, यहां पे इंटरवल है माइनस पाई टू पाई fx dx, so 1 upon pi minus pi to pi fx हमें दिया है x square dx। अभी देखो यहां पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट है pi और साइन अपोजिट है, नीचे माइनस है ऊपर प्लस है। पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जब भी ऐसी लिमिट आपको दी हो तो आपको चेक करना है कि वो फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर f of minus x is equals to fx हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे even function, और अगर f of minus x minus fx हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे odd function, ठीक है। तो यहां पे चेक करते हैं कि x square, यहां पे हमें fx दिया है x square, तो f of minus x होगा minus x whole square यानी कि x square, जो वापस क्या हो रहा है fx, यानी कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन होगा तो हम उसका आंसर माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स डायरेक्ट रखेंगे जीरो, अगर ये ऑड होगा तो, और अगर इवन होता है तो माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ओके, यानी कि यहां पे नीचे कोई भी लिमिट दी हो तो हमें वहां पे जीरो लिखना है, ऊपर की लिमिट एज इट इज रहेगी और यहां पे दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। सो टू से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन पाई, यहां पे लिमिट 0 टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई थ्री, 0 टू पाई, सो 2 अपॉन पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो पाई क्यूब बाई थ्री माइनस 0 क्यूब बाई थ्री यानी 0। तो यहां पे हमें मिलेगा ए जीरो इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई इंटू पाई क्यूब बाई थ्री, पाई पाई कैंसल, यहां पे बचेगा पाई स्क्वायर, सो हमें ए जीरो की वैल्यू मिली 2 पाई स्क्वायर बाई थ्री, उसे हम बोल देंगे इक्वेशन टू। समझ में आया? तो मैं यहां पे ए जीरो की वैल्यू लिख देता हूं 2 पाई स्क्वायर बाई थ्री इक्वेशन टू। ओके, अभी हम फाइंड करते हैं ए एन। So an is equals to 1 upon pi integration minus pi to pi fx cos nx dx. So 1 upon pi integration minus pi to pi fx ki value hai x square cos nx dx. Abhi dekho x square wo even function hai, abhi humne dekha,
cos nx वो भी इवन फंक्शन है। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि इवन फंक्शन इनटू इवन फंक्शन, तो रिजल्टिंग फंक्शन भी इवन फंक्शन ही होता है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे लिमिट 0, सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई x स्क्वायर cos nx dx। ओके, अभी यहां पे हमें पार्शियल इंटीग्रेशन का यूज करना है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला है u into v dx is equals to uv1 minus u dash v2 plus u double dash v3 minus u triple dash v4 plus up to infinite। ओके, तो यहां पे जो u dash u double dash u triple dash ये सब कुछ दिया है वो है डिफरेंशिएशन। v1 v2 v3 v4 जो दिया है वो भी वो क्या है, इंटीग्रेशन, वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया ही है, ठीक है। और यू भी फाइंड करना है कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन यू है और कौन सा फंक्शन वी है, उसके लिए हमारे पास है लिएट। ओके, एल यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, आई यानी इनवर्स, ए यानी एल्जेब्रिक फंक्शन, टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो हमें देखना है कि ये दोनों फंक्शन इसमें से कौन से है, और जो सीक्वेंस में सबसे पहले आएगा वो यू होगा और जो बाद में आएगा वो वी होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन और कॉस एन एक्स है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो यू होगा एक्स स्क्वायर और वी होगा कॉस एन एक्स, समझ में आया। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम उसे एक्सपांड करते हैं, सो 2 बाई पाई यू एज इट इज, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एन एक्स का होगा साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस यू डैश यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का होगा 2x इंटू वी टू, यानी कि इसका फिर से इंटीग्रेशन, साइन एन एक्स का होगा माइनस कॉस एन एक्स, यहां पे एन है और इसका एन यानी कि एन स्क्वायर। ओके, प्लस यू डबल डैश तो माइनस टू एक्स का होगा टू, और वी थ्री माइनस कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर यानी इसका होगा माइनस साइन एन एक्स बाय एन क्यूब। अगर आगे करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0, तो आगे की टर्म 0 आएगी जो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सो यहां पे हम लिखेंगे 0 टू पाई। अभी हमें यहां पे क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना है। तो देखो, जब हम अपर लिमिट लिखेंगे तो यहां पे क्या होगा, साइन एन पाई आएगा, लोअर लिमिट में यहां पे क्या होगा, साइन जीरो आएगा। साइन एन पाई और साइन जीरो की वैल्यू है हमारे पास जीरो, तो ये टर्म अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगी, जीरो। सेम यहां पे भी साइन एन पाई और साइन जीरो आएगा जिसकी वैल्यू है जीरो, तो ये टर्म भी हमारी जीरो हो जाएगी। तो ये दोनों टर्म हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो टू अपॉन पाई बची ये एक टर्म, सो माइनस माइनस प्लस 2x cos nx अपॉन n स्क्वायर। तो यहां पे हम पहले अपर लिमिट लिखते हैं, सो 2 पाई cos n पाई बाय n स्क्वायर। ओके, लोअर लिमिट लिखेंगे तो यहां पे क्या होगा, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 यानी 0 होगा, और 0 इंटू ये पूरा टर्म यानी ये टर्म 0 होगा, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे इसका एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर लिया। आगे सो ए एन इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई इंटू 2 पाई है, सो पाई पाई कैंसल, 4 कॉस एन पाई बाय एन स्क्वायर। ओके, सो 4 बाय एन स्क्वायर इनटू कॉस एन पाई,
कॉस एन पाई की वैल्यू हमारे पास है माइनस वन रेस टू एन, सो हमें ए एन मिला फोर बाई एन स्क्वायर माइनस वन रेस टू एन, उसे हम बोल देते हैं इक्वेशन थ्री। तो मैं यहां पे ए एन की वैल्यू लिख देता हूं 4 by n square into minus 1 raised to n, equation 3। अभी find करते हैं bn, third bn 1 upon pi interval minus pi to pi integration fx sin nx dx, okay, so 1 upon pi integration minus pi to pi x square into sin nx dx, okay। अभी देखो even और odd function चेक करते हैं, तो x square है हमारा even function और sin x है, sin nx है हमारा odd function, even function into odd function, resulting function होगा odd function, और odd function के लिए हम directly answer क्या लिखते हैं, 0, so bn हमें मिलेगा यहाँ पे 0, equation 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि bn is equals to 0, equation 4, now, putting the values of equation 2, 3 and 4 into equation 1, okay, so fx is equals to a0 by 2, a0 ki value hai humare paas 2 pi square by 3, yahan pe 2 hai, to yahan pe 2 a jayega, plus sigma n is equals to 1 to infinite, ए एन की वैल्यू हमारे पास है 4 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 रेस टू एन इनटू कॉस एन एक्स, प्लस बी एन की वैल्यू है 0, सो 0 इनटू साइन एन एक्स, यानी ये हो जाएगा 0, ओके, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे 2 2 कैंसिल, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, यहां पे बचेगा पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4 कांस्टेंट है उसे हम बाहर लिखते हैं, सो सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेस टू n cos nx, तो ये हो गई इसकी फूरियर सीरीज, समझ में आया, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।